सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर हरदोई से है, जहां मंगली पुरवा डाल सिंह मेमोरियल में चल रहे समर कैंप के सातवें दिन बच्चों ने पुलिस लाइन का भ्रमण किया। वहां लगभग दो घंटे रहे बच्चों ने पुलिस लाइन से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त की, जिसमें 112 कंट्रोल रूम, गपशप कैफे, शिशु गृह के साथ ही लाइब्रेरी के बारे में भी बच्चे जानकारी लेते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा पुलिस लाइन में बने पार्क में बच्चों ने खूब मस्ती की और भ्रमण के बाद बच्चों को सभागार तक ले जाया गया, जहां पर सीओ लाइन विकास जायसवाल, सीओ ट्रैफिक विनोद दुबे, आरआई राम सिंह, टीआई अनिल यादव ने बच्चों को साइबर क्राइम से बचने की भी जानकारी दी है। बच्चों को साइबर सेल के बारे में बारीकी से समझाया और बताया गया है। जैसा आपने देखा कि डाल सिंह मेमोरियल स्कूल जो कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ के बहुत सारे बच्चे आज पुलिस लाइन में आए, उनको पुलिस लाइन का भ्रमण कराया गया। पुलिस कैसे काम करती है, यातायात नियमों का पालन हमें करना चाहिए, और बहुत सारी बातें उनको बताई गई और समझाई गई, जिससे हमको लगता है कि भविष्य के लिए लाभदायक है। पुराने लखनऊ के सादतगंज थाना अंतर्गत दरगाह हजरत अब्बास रोड पर बिजली कर्मचारियों और जनता के बीच नोकझोंक हो गई। बता दें कि एक युवक का सिर फटने से तनाव का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि नूरबाड़ी बिजली घर के कर्मचारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में बिजली का बिल नहीं जमा करने और कटिया से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रहे थे, तभी होटल पर हुए विवाद में एक युवक का सिर तक फट गया है। खबर पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र से है, जहां शारदा नहर के किनारे शराब भट्टी के पास में पेड़ पर फांसी के फंदे पर 45 वर्षीय अनुसूचित जाति के युवक का शव लटकता हुआ पाया गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी में भर्ती कराया और वहां से शव को पीएम के लिए यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने पुलिस के धूल मूल रवैये पर भी अब सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का आरोप है कि लड़की पक्ष की एक न सुनी। बता दें कि पुलिस लड़की पक्ष पर ही दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से आज लड़की के पिता ने भी आत्महत्या कर ली। इन्होंने हमारी बहन गुलर रोड के लड़कों ने, तीन चार लड़कों ने किडनैप कर लिया और फिर किडनैप करके दो एक रात घर पे रखा, जंगल में रखा और मारा उसे, और फिर बाहर लेके किच्चा जो यहाँ पर किच्चा पर किच्चा से लेके आया, किच्चा से फूफा छोड़ के गए यहाँ पर, हम रिपोर्ट लिखवाने आए रात में, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। किसने एक्शन नहीं लिया? पुलिस वालों ने, इन्होंने कोई नहीं किया वहाँ पर। तो वही हरदोई में पचदेवरा थाना क्षेत्र में पाली काट मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। सुबह ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की शिनाख्त की गई। युवक शाहजहांपुर जिले का बताया जा रहा है, उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। वही मामले में स्थानीय पुलिस पर रात की घटना में लापरवाही का आरोप है। वह इस मामले में SSP बोले मामले में जाँच होगी। पचदेवरा थाना क्षेत्र में ये बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ था रोड पे और कुछ घंटे वहाँ पे शव पड़ा रहा। पुलिस को सूचना सुबह मिली है 8 बजे के करीब, तो पुलिस गई है और उसमें कार्रवाई कर रही है। लापरवाही की बात है, इसमें क्षेत्राधिकारी साहबा से एक रिपोर्ट मांगी गई है, इसमें अगर किसी की लापरवाही होगी तो कार्रवाई की जाएगी। खबर हरदोई से है, जहां शाहबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से कई गौवंशों की मौत हो गई है। ट्रैक पर अचानक गायों का झुंड आने से यह हादसा हुआ है। वहीं एक गौवंश इंजन में फंसने से ट्रेनों का आवागमन तक बाधित हो गया। मौके पर पहुंचकर ईओ और पुलिस ने ट्रैक साफ कराकर ट्रेनों का आवागमन एक बार फिर से शुरू कराया। इस हादसे में एक गर्भवती गाय की भी मौत हुई है। बताते चले कि एक साथ कई गौवंशों की मौत देखकर लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंचे ईओ और पुलिस ने रूट को साफ कराया, जिसके बाद सुचारू रूप से अब रूट भी शुरू हो सका है। क्या गाँव का झुंड आ रहा था खेतों से और तले ट्रेन आ गई,
ट्रेन आ गई, उसमें छः सात गाय कट गई। बहुत ज़्यादा गाय थी? हाँ, काफ़ी झुंड था। ये थाना क्षेत्र शाहबाद में गेट नंबर 299 पड़ता है, वहाँ पे मालगाड़ी लखनऊ की तरफ जा रही थी। ट्रैक पे पांच गाय आ जाने से गाय कट गई और वहाँ से हटवा दिया गया है। ईओ मौके पहुँच के तत्कालिक कार्रवाई कर रहे हैं। रूट बाधित नहीं हुआ था, ट्रैक सुचारू रूप से चल रहा था। आए दिन चोरों के हौसले बुलंद है, चोरों में पुलिस का खौफ तक नहीं है और वो धड़ल्ले से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वही अगर बात करें गाजियाबाद की, तो सिहानी गेट थाना क्षेत्र के पौश इलाके नेहरू नगर में घर में घुसे चोरों ने एक फैक्ट्री मालिक के घर पर 30 लाख से ज्यादा की चोरी की। बताते चले कि घटना से जुड़ा अब एक CCTV भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों की तस्वीर और हरकतें कैमरे में कैद हो गई हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब बदमाशों की पहचान और तलाश में लगातार जद्दोजहद करती हुई दिखाई दी है। ये कल सुबह अर्ली सुबह की घटना है, ये सूचना मिली। घटना को तत्काल मेयर द्वारा और थानाध्यक्ष और PIB द्वारा अटेंड किया गया और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट्स टीम को बुलाया गया। सारे तथ्यों की छानबीन की गई, आवश्यक कार्रवाई की गई और दो टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है 30 लाख से अधिक की सामान चोर यहाँ से लेके गए हैं। सारे तथ्यों की छानबीन की जा रही है, शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना ट्रॉनिका सिटी के मंडोला चौकी क्षेत्र में भारत सरकार NHAI के द्वारा विद्युत विभाग की लाइन ट्रांसमिशन करने के कारण किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला भी अब सामने आया है। किसानों से वार्ता की गई तो किसानों ने बताया कि हम इस भूमि पर 70 सालों से खेती का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक बिना नोटिस और जानकारी दिए बिना हमारी भूमि पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। साथ ही एक तालाब जिसमें 25,000 से ज्यादा मछलियों का पालन किया जाता है, उसको भी नष्ट करने का काम किया जा रहा है। अवधेश त्यागी जी, आप कहाँ रहते हैं? विलेज नानो। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे जमीन कब्जाई जा रही है। कौन कब्जा रहा है? कौन कब्जा? NHAI वाले कब्जा रहे हैं जी। तो क्या आपको कोई नोटिस दिया गया उससे पहले? नहीं, NHAI की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया हमारे तक जी। कल SDM मैडम ने आपको मुआवजा देने की बात कही थी, क्या आपको मुआवजा मिल गया? नहीं मिला कोई मुआवजा। तो ऐसा किस तरह से कर रहे हैं लोग, अब हम क्या बता सकते हैं? पीछे ये जो पानी तालाब जो बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई हमें सोचना नहीं, कुछ नहीं। आपके सामने जो तालाब तोड़ा जा रहा है, इसे लाइन को जिधर चल रही है उधर से काट कर दूसरी तरफ को काट। अच्छा, तो इसमें आपको कोई शॉर्ट नोटिस दिया होगा सरकार? नहीं, नहीं दिया गया। तो कल SDM मैडम ने कहा था कि मुआवजा दिया जा रहा है और आपसे बातचीत भी की गई है, तो क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, सच्चाई है जी, हमारे ना मुआवजे की बात हुई और ना हमें मुआवजे दिया गया। मुआवजे की जी कोई इस बात नहीं हुई हमारे साथ, ये सब झूठ है जी, कोई मुआवजा नहीं। कब से आप इस तालाब से जीवन यापन कर रहे हैं? ये तो कई साल से जी। आपका कहना था कि इससे ही आपका घर परिवार चल रहा है, अगर ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जी हम तो बर्बाद हैं जी। हमारे तो सब कुछ खर्चा ही चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई का सब काम इससे हो रहा है। इस संबंध में आपने कोई शासन से कोई नोटिस शासन से किसी से कुछ मांग की आपने? हाँ जी, सबसे की इन्होंने कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। कोई नोटिस दिया आपको ये सब तोड़ने से पहले? बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील में सरावा शिकारपुर रोड पर पुलिया के निर्माण को लेकर अंबेडकर नगर के ग्रामीण भड़क उठे। ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर शिकारपुर तहसील में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां पर स्थानीय विधायक एवं SDM के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे तक लगाए गए। मुर्दाबाद के नारों की गूंज सुनकर तहसीलदार अपने ऑफिस से बाहर निकले और तहसीलदार ने ग्रामीणों से कहा कि ये हमारे विभाग का मामला नहीं है। इस बात को लेकर ग्रामीण और ज्यादा भड़क गए। ब्रह्मांड के पीछे जो जांच भेज रहे हैं, अभी तक कोई भी जांच नहीं पहुंची है और उन्होंने नाला भी तोड़ दिया। उन्होंने नाला भी तोड़ दिया और पानी मतलब चौथाई से नहीं, पूरा हिस्सा पानी का इधर ही जा रहा है, बहुत स्पीड से चलना पानी। अभी आप लोग यहाँ SDM साहब आए नहीं है जी, तो किसी से और से मिले अभी? नहीं, नहीं, नहीं। उनसे भी मिलना है और साहब बड़े हों उनसे भी ऊपर, तो उनसे भी मिलना।
युवक गिड़गिड़ाता रहा लेकिन दबंग गाली देने से बाज नहीं आ रहे थे। मामला देवरिया का है जहां महोदय संत बिनोवा डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ और वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी रही उनके पति सूर्यकांत मिश्रा जो भरी भीड़ में युवक को सरेआम गाली देते हुए नजर आए। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब इतने से मन नहीं भरा तो युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा तक दर्ज करा दिया गया। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने अराजनैतिक के युवा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र आर्य ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम स्याना को एक संबोधित ज्ञापन सौंपा है। वह युवा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र आर्य ने स्याना एसडीएम से कहा है कि स्याना तहसील में तहसीलदार द्वारा भारी रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों से बदसलूकी भी की जा रही है जिससे किसानों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। तहसीलदार के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करें। प्रकरण है तहसीलदार स्याना द्वारा तहसील में अवैध उगाही, किसानों को प्रताड़ित करना, उनसे इतना प्रताड़ित करना कि उनसे जो है पैसे हड़पे जाते हैं, ऐंठे जाते हैं। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड स्याना तहसील में भ्रष्टाचार में टूटा हुआ है। आज उससे कुपित होकर स्याना तहसीलदार के खिलाफ धरना हमने दिया है। एक दिवसीय हमने मैडम को ज्ञापन सौंपा है कि तहसीलदार स्याना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि पहले भी हमने इनके खिलाफ ज्ञापन दे चुके हैं। बहुत चारों तरफ से किसानों की शिकायतें हैं इनके खिलाफ कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इनकी बार बार शिकायत होने के बावजूद भी एक साल से तो किसान कर रहे हैं इनकी शिकायत डीएम साहब से। डीएम साहब ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बोला नहीं है। पता नहीं क्या बात है, डीएम साहब पता नहीं इनका इनके खिलाफ कार्रवाई। खबर बुलंदशहर से है जहां अवैध रूप से विकसित की जा रही दो आवासीय कॉलोनियों में बीडीए का बुलडोजर चल गया। सिकंदराबाद जेवर रोड और सिकंदराबाद देहात क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी। बताते चले कि 10 और 12 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी, साथ ही सिकंदराबाद क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए दोनों कॉलोनियों में प्लॉट काटे जा रहे थे। अलीगढ़ में शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए देहात क्षेत्रों में अब खुद के खर्चे से अध्यापकों के द्वारा एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, जिससे देहात क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या को बढ़ाया जा सके और सरकारी स्कूल में बच्चों की बढ़ोतरी हो सके। इसको लेकर सरकारी स्कूल के अध्यापकों के द्वारा अपने निजी खर्चे से नए कार्यक्रम को चलाकर होनहारों को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसका असर खासतौर पर देहात क्षेत्रों में देखने को भी मिला है। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वालों की तादाद हर रोज अब लगातार बढ़ती हुई भी दिखाई दी है। खबर अलीगढ़ से है जहां दलित समाज के प्रधान को एक ऊंची जाति के दबंग के द्वारा जाति सूचक शब्द कहते हुए गांव में प्रधान ना करने की बात कही गई है, जिसके बाद ग्राम प्रधान के द्वारा कप्तान दरबार में मदद की गुहार तक लगाई गई है। पीड़ित के द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए गांव में विकास करने की बात कही तो ग्राम प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि दबंग किस्म के लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हैं, साथ ही उसके साथ मारपीट तक करते हैं, और जब भी उसका विरोध किया जाता है तो दबंगों के द्वारा गाँव से निकालने तक की धमकी दे दी जाती है, जिसको लेकर पीड़ित के द्वारा आला अधिकारियों से अब न्याय की गुहार तक लगाई गई है। सर, बात ऐसी है कि हमारे गांव में प्रहलाद सिंह की घरवाली नरेगा में मेट हैं और उनके पति आते हैं नरेगा में काम करने, और हमने कहा कि भैया आप मत आया करो, अपनी घरवाली भेजो, तो सब उन्होंने मेरे को गाली दी है, जाति सूचक शब्द बोले हैं। कौन से समाज से हो आप? मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, जात का हरिजन हूँ। अच्छा, वो कौन से समाज से है? वो ठाकुर है, सब जाट हैं और दबंग लोग हैं सब। तो फिर क्या हुआ? सर, उन्होंने मेरे को गाली दी है और डराया धमकाया है और सब मेरे को मारने को चढ़े, और घर पे भी सब आके मेरे से बदतमीजी की और मारने को आए, मेरे चाचा जी आए। मारपीट भी हुई कल तुम्हारे साथ? जी, हुई थी सर। फिर कौन आ गया? फिर मेरे चाचा जी आए, उन्होंने हल्ला सुना तो वो पहला आ गए घर से। अच्छा, क्या बोलते हैं वो, क्या वजह है? वजह ये है कि साहब मैं भंगी के में साफ के तो प्रधानी करवाऊँगा। तो भाई
वहीं अलीगढ़ में डाक विभाग के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं डाक विभाग का फर्नीचर कबाड़ा जलकर खाक हो गया। इस दौरान आग की लपटें आसमान को छूती हुई नजर आई, जबकि डाक विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से अग्नि सिलेंडर से आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ सिलेंडर कारगर साबित नहीं हुए, तो इसकी सूचना अग्निशमन अधिकारियों को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे अग्निशमन के अधिकारियों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम में क्या है, हम लोग तो यहाँ बैग भर रहे थे, हमें तो कोई जानकारी नहीं, हम तो अभी काम कर रहे थे, ये सप्लाई का है हमारा काम, उसका पता नहीं कैसे कोई भागते हुए बोले आज आज लगी आज लगी। मैंने जाके देखा सिलेंडर निकाले, जब तक आग बहुत तेज पड़ रही थी। किस चीज़ का गोदाम था ये? गोदाम था, इसमें रद्दी वगैरह का वो वैसा गोदाम था, ये पॉली वगैरह खाली वगैरह पड़े हुए थे। शॉर्ट सर्किट के कारण और कोई मतलब विशेष कोई विशेष कारण नहीं है, ना ही कोई नहीं ऐसा कोई विशेष सामान नहीं है जो कि मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हो या आवश्यकता बहुत ही जिसकी वाक को जरूरत पड़ती हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। औरैया में एसओजी टीम और अरवा कटरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर अरवा कटरा थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा गश्त के दौरान 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से 5 बाइकें तक बरामद की गई है। बताते चले कि इनके ऊपर पहले से भी मामले दर्ज थे, जहां पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करके अब जेल तक भेज दिया गया है। एरवा कटरा से एक स्प्लेंडर प्लस बाइक चोरी हुई थी, इस पे समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना के क्रम में तलाश के क्रम में एसओजी की भी टीम लगाई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्वेलांस के से साक्ष्य संकलन किए गए, तो जिन लोगों ने ये बाइक चोरी की थी इसके अभियुक्तों को चिन्हित किया गया। चिन्हित अभियुक्तों की पता रशि सुराग रशि की गई, तो मुखबिर की सूचना पे आज 18 तारीख को गश्त के दौरान ये भाऊखेड़ा मोड़ के पास से ये तीनों अभियुक्तों को दौरान चेकिंग गिरफ्तार किया गया। इनके इनके निशानदेही पर 5 और बाइकें मिली हैं, और जो हमारे और अरवा कटरा से चोरी की गई थी स्प्लेंडर प्लस वो भी मिली है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने जबरदस्ती दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। सिरफिरे आशिक ने शादी के दौरान जयमाल कार्यक्रम में दुल्हन की मांग तक भर दी, जिसके बाद हंगामा मच गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सिरफिरे आशिक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। मामला बिरनो थाना क्षेत्र के भवरा गाँव का है। बताते चले कि सिरफिरे आशिक पर पिछले 7 वर्षों से युवती के साथ दुराचार का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक युवती की वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग भी कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। इसमें तहकीकात की गई तो इसमें ये निकल के आया कि पिछले वर्ष भी इस बच्ची की शादी तय हुई थी कहीं, वहाँ भी इसने तोड़वाया था और धमकी भी दी थी। उस संबंध में एक अभियोग भी पंजीकृत हुआ था। उसी सिलसिले में परिजनों द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक तहरीर दी गई है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि यह सिरफिरा आशिक करीब 7 साल से इस बच्ची के साथ दुराचार भी कर रहा था, और इसने कोई वो भी बना रखी थी वीडियो वगैरह, जबकि वो वीडियो भी पुलिस के पास नहीं आई है, लेकिन ऐसा आरोप है पीड़ित परिवार का। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार करके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।